हाय डेवलपर्स, इंडिया के अंदर 5G इंटरनेट जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, ये बात मेरे हिसाब से सबको बता दी। अगर आपको नहीं बता दी तो कोई बात नहीं, आपको पता चल चुकी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस 5G इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलपर्स के ऊपर, IT कंपनीज के ऊपर एंड IT इंडस्ट्री के ऊपर। ये वीडियो ना आपको बेसिक आइडिया देगी कि आने वाले 15-20 साल के अंदर इंडियन IT इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, डेवलपर्स के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कह सकते हो कि ग्रोथ या फिर बूम देखने को मिलेगा, राइट? अगर मैं ना एक बार के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाऊँ और पिछले 15 सालों की बात करूँ, तो पिछले 15 साल के अंदर मेनली जब से हमारा 4G इंटरनेट आया तब से आप कह सकते हो कि 1000% इंटरनेट का यूजेस बढ़ गया है इंडिया के अंदर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 15 सालों के अंदर ही, अगर मैं सही बताऊँ ना तो ये 15 सालों के अंदर नहीं, ये 12-13 सालों के अंदर जब से 4G इंटरनेट आया था, जो स्टार्टिंग के दो तीन साल थे इनमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बिकॉज जैसे ही 3G आया था उसके जस्ट 2-4 साल बाद ही हमारा 4G लॉन्च हो गया था। और सही में 4G इंटरनेट काफ़ी सक्सेसफुल रहा इंडिया के अंदर। मेरे हिसाब से अगर 4G इंटरनेट ना होता तो कोविड टाइम के अंदर ना ही हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाते और ना ही आप लोग YouTube के ऊपर HD क्वालिटी के अंदर वीडियोस देख पाते। और हो सकता है कि बहुत सारे चैनल जो टेक्नोलॉजी वाले चैनल, न्यूज़ वाले चैनल YouTube के ऊपर होते भी ना, और शायद जो हमारा चैनल है ये भी ना होता। ये सब कुछ 4G इंटरनेट की ही बदौलत है, ऐसा मेरा मानना है और आई थिंक मैं ठीक भी हूँ इस मामले में। बट अब हम बात करते हैं 5G के बारे में। सो मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड की, क्या स्पीड रहने वाली है। उसके बाद हम लोग कॉस्टिंग की बात करेंगे, क्या उसकी कॉस्ट रहेगी और 4G इंटरनेट से 5G इंटरनेट की कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। डेवलपर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती हैं, उनके लिए ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे और IT इंडस्ट्री के अलावा और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसे कौन से टाइप के इंजीनियर या फिर डेवलपर हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, 5G के ना आपको नुकसान बहुत कम लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ IT इंडस्ट्री की, ठीक है? अगर आप इन्वायरमेंटल के हिसाब से सोचते हो या फिर और किसी नज़रिए से सोचते हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हमारा चैनल टेक्नोलॉजी के बारे में, सो हम लोग इसी केस के अंदर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर मैं स्पीड की बात करूँ ना तो जो अभी स्पीड है ना वो इंडियन 4G इंटरनेट की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 से लेके 30 Mbps तक है। आप लोग नहीं कहाँ सर झूठ बोल रहे हो, इतनी स्पीड तो आती नहीं कभी। देखो ना, जब आप डाउनलोड कर रहे होते ना तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 Mbps की स्पीड मिलती है, लेकिन ना यहाँ पे जो एक्चुअल MB होता है ना, मेगाबाइट, हम लोग वो काउंट करते हैं, लेकिन जो स्पीड दी होती है ना वो हमेशा Mbps, उसके अंदर बी ना छोटा होता है। कभी भी आप चेक करना, अगर आप ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट की स्पीड कहीं भी चेक करोगे ना तो M बड़ा मिलेगा, उसके बाद में B छोटा मिलेगा। Mbps जो छोटा B होता है ना, इसका मतलब होता है बिट, और अगर बड़ा B लिखा होता है उसका मतलब होता है बाइट। तो जो आपको स्पीड मिल रही होती है ना, मैं आपको ये 20 से लेके 30 Mbps की बता रहा हूँ, तो ये मेगा बाइट नहीं है, ये मेगा बिट है। और ये सीरियसली ना बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, मैं किसके बारे में बोलूं, लेकिन हर जगह पे यही रूल्स चले हुए हैं। बस ना बिट को बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, लोगों को लगता है कि ये 20 MB की स्पीड है, मेगा बाइट की स्पीड है, बट वो मेगा बाइट नहीं, वो मेगा बिट होता है, इसलिए आपको स्पीड काफ़ी कम देखने को मिलती है। बट ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले। सो ये 20 से लेके 30 Mbps की स्पीड मिलती थी, लेकिन 5G के अंदर जो आपको स्पीड मिलेगी ना वो 300 से लेके 500 Mbps यानी कि मेगा बिट पर सेकेंड मिलेगी। छोटे वाले बी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बड़ा वाला बी नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ये स्पीड मिलेगी और ये ना थोड़ी वेरी भी करेगी, डिपेंड करेगी एरियाज़ के ऊपर। अगर आप लोग शायद काफ़ी रूलर, अगर मैं मेट्रो सिटीज़ के अलावा की बात करूँ ना, वहाँ पे थोड़ी इंटरनेट स्पीड कम रहेगी 5G की, और जो मेट्रोपोलिश एरिया है यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ऐसा 4G के साथ भी, ऐसा नहीं है कि 5G के साथ ही है, लेकिन जो कॉस्टिंग होगी वो हर जगह पे सेम ही एप्लीकेबल होगी। स्टेट के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करते हैं कॉस्टिंग क्या रहेगी। देखो, जो कॉस्टिंग रहेगी ना 5G की वो 10 से 15% ज़्यादा रहेगी 4G से। अब यहाँ पे ना कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि यार सही है, बस ना पहले जहाँ पे हम लोग 100 रुपये देते थे हम वहाँ पे 110-115 रुपये देने पड़ेंगे और इंटरनेट की हमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं, यार ये इंटरनेट पहले बहुत महंगा था, थोड़ा और महंगा हो जाएगा। दोनों ही बातें अच्छी हैं, दोनों ही बातें बुरी हैं टेक्निकली देखा जाए तो। मैं आपको बताऊंगा कैसे, जो स्पीड वाली बात है ना, आपको लास्ट में ड्रॉबैक वाला पॉइंट आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पीड का ड्रॉबैक होता है, ठीक है? और मैं टेक्निकल भाषा में बताऊंगा, कोई मैं ये इन्वायरमेंटल वगैरह के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बात करूंगा। लेकिन अच्छा, ये इतनी महंगी क्यों है, ज़्यादा महंगी क्यों नहीं है, इससे कम महंगी क्यों नहीं है? देखो, एक्चुअल मैं आपको बताऊँ,
5G का जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, अगर हम लोग ये देखते हैं कि कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं, बिकॉज हर एक कंपनी को जो अपने टावर्स वगैरह होते हैं, टेलीकॉम वाले राउटर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी इनके डिवाइसेस होते हैं, वो अपडेट करने पड़ेंगे, सारे के सारे न्यू लगाने पड़ेंगे। अब इन्होंने, आपने सुना होगा कि एयरटेल ने और जियो वगैरह ने, इन्होंने 5G बैंड की फ्रिक्वेंसीज भी खरीदी हैं, उसके लिए भी इनको बहुत सारे पैसे देने पड़े हैं, और इनको नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे और उन्हें कुछ एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, राइट। सो कॉस्टिंग ज़्यादा बनती थी, लेकिन अगर वो अभी कॉस्टिंग ज़्यादा कर देंगे ना तो कोई भी 5G इंटरनेट खरीदेगा नहीं, तो इसीलिए वो या तो कॉस्टिंग बहुत ही कम बढ़ाएंगे, या फिर शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-4 महीने बिल्कुल बढ़ाए ना, सेम ही रेट रखें, राइट। तो इसीलिए अभी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होने वाली। अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, बिकॉज अभी के लिए हम लोग जो फायदे वाली बात है ना उनको बात कर लेते हैं। स्पीड आपको पता चल गई, उसके बाद में कॉस्टिंग आपको पता चल गई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेवलपर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखो बहुत टाइप से मेरा मतलब कि बहुत सारी न्यू टाइप्स की जॉब्स मिलेंगी। अभी के लिए जो टेक्नोलॉजी ना बस नाम मात्र थी, वो एक्चुअली में पॉसिबल होंगी, जैसे कि IoT जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, AI, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी इंटरनेट की और बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। ये सारी पहले ना नाम मात्र, बहुत ही रेयर और बहुत ही कम यूज़ होती थी, बट अब इनका यूजेस काफ़ी बढ़ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि IoT वगैरह का यूजेस कैसे बढ़ेगा। देखो IoT का एक सबसे बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो स्मार्ट होम। स्मार्ट होम क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से ही ना पूरे घर का इंटरनेट या फिर पूरे घर का इलेक्ट्रॉनिक्स एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए कि आप गाड़ी के अंदर हो और आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे ना बस गर्मी लग रही है, मैं घर का AC ऑन करता हूँ। आप घर का AC ऑन कर सकते हो, रिमोट से आप घर का गेट ओपन कर सकते हो, लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, कैमरे को मूव करके देख सकते हो, कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। आपके अब ऐसा क्यों देखना है, तो कई बार होता है ना कि घर में बच्चे होते हैं तो मेड वगैरह रखे होते हैं, कुछ सर्वेंट वगैरह रखे होते हैं, सो अगर किसी को वो चेक करना हो तो वो लाइव चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को अगर आपको ऑनलाइन ऑफिस चेक करना है कि ऑफिस के कैमरेज वगैरह के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, एम्प्लॉयज़ में क्या मूवमेंट हो रही है, आप ये कंट्रोल कर सकते हो, लाइव गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, ये चीज़ें अभी भी पॉसिबल हैं, बट जब 5G हो जाएगा ना तो आप और अच्छा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे इन चीज़ों को। एक मोबाइल से ही, एक एप्लीकेशन से पूरा घर, पूरा ऑफिस, पूरी कार, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, राइट, स्पीड की वजह से, राइट। सो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। और मशीन लर्निंग, AI के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर, यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। और कुछ और स्पेसिफिक जो कि नॉर्मल हैं बट और भी ज़्यादा उनका बूम आने वाला है, जैसे कि वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे YouTube हो गया, फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, Hotstar हो गया, Prime हो गया, Netflix हो गया, इनके अंदर भी काफ़ी बूम आएगा। अभी के लिए क्या है ना कि बहुत से छोटे सिटीज़ के अंदर, मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, छोटे सिटीज़ के अंदर जो आप लोग इंटरनेट का यूज़ करते हो वो आप लो क्वालिटी के ऊपर, 360 के ऊपर, 480 के ऊपर यूज़ करते हो, आप HD के अंदर नहीं देखते हो, राइट, बिकॉज या तो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है या फिर वो थोड़ी सी बफर करता है स्मॉल टाउन एरियाज़ के अंदर, गांव वगैरह के अंदर अभी भी थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन 5G के बाद में आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी। सो इससे क्या होगा कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, ये और थोड़ा इसके ऊपर फोकस करेंगी और इस एरिया के अंदर डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। और जो TV वाला जमाना था ना वो धीरे धीरे पुराना पुराना होता जाएगा। अब शायद ही लोग अभी डिश TV वगैरह को प्रमोट ज़्यादा करेंगे, या फिर जो नॉर्मल TV होते हैं, जो प्रोग्राम्स देखते हैं, चैनल्स वगैरह, वो काफ़ी कम हो जाएगा 5G से। जो हमारे डायरेक्ट इंटरनेट से ही जो चैनल्स वगैरह देखने वाली चीज़ें वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर मैं इसके अंदर और बात करता हूँ तो ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा। उससे क्या होगा ना, अभी भी एक्चुअली ये जो ऑनलाइन एजुकेशन वाला सिस्टम है ना, ये कोविड के बाद काफ़ी आ गया। सो उसके बाद क्या होगा, जो ट्यूशन वगैरह है ना, बच्चे ये सोचेंगे कि यार देखो जाने के अंदर मैं आधा घंटा वेस्ट कर रहा हूँ ट्यूशन पे, आने में आधा घंटा वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही ना पढ़ लूँ। बिकॉज जिनको ध्यान से पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। देखो बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ नहीं हो सकती, बट चाहे तो पढ़ा जा सकता है ऑनलाइन भी, राइट। सो इनके अंदर भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आएगी, और ग्रोथ आएगी, और इस एरिया के अंदर और डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी स्क्रीन आ जाती है वहीं पे डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उस स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, राइट। सो जहाँ भी स्क्रीन की OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं, या फिर आप बात कर सकते हो EdTech, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, सो यहाँ पे हर जगह पे, या फिर कैमरा वगैरह जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इन हर जगह पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यहाँ पे और डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक चीज़ और आएगी,
अभी के लिए ना वेस्टर्न कंट्रीज को या फिर जहाँ से हम लोग सर्विसेज देते हैं कंट्रीज को, ये लगता है कि यार इंडिया के अंदर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, तो अच्छे से काम नहीं हो पाता। सो उसकी वजह से ना अब जब 5G आ जाएगा तो उनका थोड़ा सा और उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इंडिया के अंदर स्पीड अच्छी है और हम लोग फ्रीलांसिंग भी दे सकते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह को भी काम दे सकते हैं, तो वो भी अच्छे आराम से अच्छी क्वालिटी के साथ में कर पाएंगे। और इससे ना वर्क फ्रॉम होम भी आराम से किया जा सकता है, अगर जैसे कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन आती है तो वो भी आराम से हैंडल करी जा सकती है। अभी भी हम लोगों ने 4G के साथ में वर्क फ्रॉम होम करा है, बहुत ही कम इश्यूज आए होंगे मेरे हिसाब से, बट अगर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी होती तो मेरे हिसाब से और बेटर एक्सपीरियंस अच्छा होता और बेटर हम स्पीड से काम कर पाते। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि कुछ कंपनीज ने अलाउ करा कि आप घर पे लैपटॉप ले जाओ, वहीं से घर से ही काम करो, कोड आपके घर वाले सिस्टम में होता था, बट बहुत सी कंपनी ने ऐसा करा है कि जो कोड है ना वो ऑफिस वाले सिस्टम में होता था, आप लोग रिमोटली ऑफिस वाला सिस्टम यूज करते थे घर से और तब आप लोग उस पर काम करते थे। तो इसके लिए क्या होता था कि आपको पहले पूरी की पूरी ऑफिस वाले कंप्यूटर की स्क्रीन घर पे चाहिए होती थी, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन दिखती थी इंटरनेट के ऊपर और उससे आप लोग उसे यूज करते थे। तो ऐसे काम में भी थोड़े इंटरनेट हाई स्पीड चाहिए होता है। सो ये भी 5G से और ईजी हो पाएगा और वर्क फ्रॉम होम जैसी फंक्शनैलिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ये भी और बेटर हो पाएंगी। अगर अच्छा और इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इससे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है ना, हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इनमें भी बूम आएगा। बिकॉज जहां भी अभी टावर लगे हुए हैं, जैसे भी हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं, वहां पे नेटवर्क इंजीनियर्स की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। और हार्डवेयर के लिए जो हार्डवेयर रिप्लेसमेंट है, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, लैपटॉप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो मोबाइल इंडस्ट्री होगी ये भी हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर ही आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो। सो इसके अंदर भी बूम आएगा बिकॉज अब 5G मोबाइल और रैपिडली बनेंगे, राइट, 5G इक्विपमेंट, 5G डिवाइसेस वगैरह और बनेंगे। ड्रॉबैक की बात करूं तो देखो, एक तो कॉस्टिंग बढ़ सकती है धीरे धीरे टाइम में, वो बढ़ेगी, और जो दूसरी चीज है ना, ये थोड़ा आप ध्यान से समझ रहे, जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब आप YouTube के ऊपर चलाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी वीडियो ना पहले ही ब्राउजर के अंदर, आपके वीडियो प्लेयर के अंदर डाउनलोड हो जाती है। आप नीचे स्क्रैप में देख सकते हो कि जहाँ पे आपके रेड लाइन होती है वहां तक तो आप लोग वीडियो के ऊपर हो, और आगे काफी आगे तक व्हाइट हो जाती है ग्रे से, वो उतनी वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब 5G इंटरनेट आ जाएगा तो आप लोग HD वीडियोस देखना पसंद करोगे। अब मान लीजिए आप एक HD वीडियो देख रहे हो, जिस आप मूवी देख लगा के बैठ गए पूरी की पूरी, जिसका साइज है 2 से 3 GB तक का, और आपने क्या करा, मूवी प्ले करी, जैसे आपने प्ले करी पूरी की पूरी अच्छी स्पीड की वजह से, पूरी की वीडियो जो वीडियो है वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो गई है, ब्राउजर में कह लो या फिर वीडियो प्लेयर के अंदर कह लो। अब आपको मूवी पसंद नहीं आई, राइट, अब आपको बैक जाना है, बट उस टाइम पे हुआ क्या कि कम से कम वहां पे 1-1.5 GB और हो सकता है पूरी की पूरी वीडियो आपके प्लेयर में डाउनलोड हो चुकी है, तो उससे क्या होगा ना, इतना आपका इंटरनेट ऑलरेडी यूज हो चुका होगा और वो वेस्ट चला गया बिकॉज आपने मूवी को बैक कर दिया, या वो आपको पसंद नहीं है या फिर आपको टाइम नहीं लगा किसी वजह से आपने बैक करा, तो इतना आपका जो वेस्ट हो गया। अब इसको ना फिक्स करा जा सकता है कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है या फिर OTT प्लेटफॉर्म है, वो बफरिंग को लिमिटेड कर दें 10-15 MB तक, राइट, कुछ कंपनीज अभी भी करती हैं बट बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं। अगर आप लिमिटेड कर दोगे उसे, अगर जो वेस्टेज होगा ना इंटरनेट का, आपने ब्राउजर बंद कर दिया या फिर आपको जाम काम की वजह से जाना पड़ गया, मूवी पसंद नहीं आई, तो आपका बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज अभी भी अगर देखा जाए ना, 2-3 GB इंटरनेट अगर हम डेली का यूज़ करते हैं तो भी उसके लिए हमें 30-20-25 रुपये देने पड़ते हैं मेरे हिसाब से, पर डे के हिसाब से भी, तो वो आपके पैसे बच जाएंगे अगर ये जो बफरिंग वाला इशू है या जो आगे का डाउनलोड होने वाला चीज़ है उसको थोड़ा कंट्रोल करा जा सके तो, राइट। सो दैट्स ऑल, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं मेरे हिसाब से ये आपके कुछ काम आएंगे, और अगर आपके कुछ रिव्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन जस्ट गिव मी सम रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।